हेलो एवरीवन, हैव अ नाइस डे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सिर्फ सुरक्षित अपने घर पे होंगे। अभी सुबह के हो रहे हैं 10:30 एंड मैं जा रही हूँ ईशू को लेकर डॉक्टर के पास। इसको शायद थोड़ा सा फीवर हो गया है एंड कोल्ड भी हो गया है, तो ये डॉक्टर शायद वायरल की प्रॉब्लम हो गई है। वायरल फीवर इसमें चल रहा है ना, मौसम चेंज हो रहा है, तो वही ले जा रही हूँ इसे दिखाने। एंड चीकू तुम एक एप्पल खाओ, फिर मैं अभी आऊँगी ना, तो फिर दूध वगैरह दूंगी। और चीकू भी बहुत लेट उठे हैं, अभी सोकर उठे हैं, तो अभी भी फिलहाल ले जा रही हूँ इसे डॉक्टर। यही घर के पास ही है एक डॉक्टर, उन्हीं के पास ले जा रही हूँ दिखा के, फिर लेकर आती हूँ इसे। आज 3 दिन से इसकी तबीयत खराब हो रही है, पर मैंने मतलब फीवर बहुत हल्का, पर आज फीवर बहुत ज़्यादा आ गया है, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा डॉक्टर के पास दिखाने। और डॉक्टर यहीं घर के पास है एक डॉक्टर, उन्हीं को दिखाने जा रही हूँ फ्रेंड्स। चलो ईशू, फिर दिखा के फिर मैं आती हूँ। चलो, मेरा मास्क, मेरा वॉलेट और मास्क, ठीक है ईशू? ठीक है, आप एप्पल खाओ, मैं अभी आके फिर आपको दूध दूंगी, ठीक है? आज चीकू मास्टर भी बहुत लेट उठे हैं, इनके डैडी का ऑफ था, तो वो अभी मतलब आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। चीकू भी उनके साथ लेटे हुए थे, अभी उठ के आए हैं। तो मैं भी ले जा रही हूँ इसे डॉक्टर को दिखाने। चल रही हूँ, काम होगी ना, तुमको दिखा देती हूँ डॉक्टर गुंबर के पास हो गए। एक डॉक्टर है गुंबर, उनका सर नहीं है गुंबर, ऐसा ही सर नहीं है। पाँव मत आ रही है, वो आ रही है ओके, डॉल थोड़ा ही बीच में दौड़ाएगा, छोड़ो नहीं इशू, आराम से चलो। कुछ तो खाइए, पेट खराब हो कुछ भी हो, रहते ही अपनी रोगे। देखो है ना सब बंद है, बंद है तो इस वजह से चक्कर चक्कर सा लग रहा है। तो ये गली टूटी हुई है, बन रही है, इसके मतलब रोड टूटा हुआ है, सारा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। चल रही हूँ, चलो। अब बाहर का सब कुछ मना किया है डॉक्टर ने, तो जब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते ना। अच्छा फैला है ना, ऐसे मैं भी लटका लूँ ना तो फैल जाएगा। वो हाँ, तो जुकाम सर्दी की कोल्ड की वजह से नाक बंद है, पर उन्होंने सब कुछ बाहर का मना कर दिया, तो मैं ऐसे कुछ बोलना मत जब तक फीवर ठीक ना हो जाए। नहीं, नारियल सिंपल पानी बोला है, ठीक है कि पानी कुप्पी है, नारियल पानी जबरदस्ती नारियल भी पानी होता, पानी नहीं होता। इसे डॉक्टर को दिखा दिया है, डॉक्टर ने वायरल फ्लू बोला है, पर बोला है कोई नहीं ठीक हो जाएगा। अच्छा खूब पिलाना है, वैसे तो खूब पीने को नहीं मिलेगा। जा रही हूँ घर, देखूँ चल के चीकू वहाँ क्या कर रहे हैं घर पे। यहाँ काफ़ी टाइम लग गया, करीब 1.5 से 1.5 घंटा हमें बैठना पड़ गया, बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे। तो हमारा नंबर आया तो फिर दिखाया, बोले हैं कोई घबराने की बात नहीं, वायरल फ्लू इसमें चल रहा है, वही हुआ है। ओके हैं, बना रही हूँ बेसन का हलवा, क्योंकि बेसन का हलवा टेस्टी भी लगता है और कोल्ड में बहुत ही फायदेमंद होता है। हाँ बोलो। वो जो दूध है ना चाय वाला, वो तो मैंने उसमें डाल दिया था। क्या तुमने डिब्बे में वापस डाल दिया था? हाँ। और मुझे लगा तुमने पी लिया है। वो तो चले गए। पागल हो तुम चीकू पूरे, मुझे लगा तुमने पी लिया, वही मैं सोचू इतनी जल्दी इस लड़का पी कैसे गया फट से। पहले इसको अच्छे से भून लेंगे ब्राउन होने के, पसंद के हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स भी डालिए। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसे बना रही हूँ। इसमें मैंने चीज़, शुगर, मिल्क एंड
थोड़ा सा पानी डाल दिया है, इसको अच्छे से चला के। ये देखो चीकू, ये अमरूद का पेड़ कितना बड़ा हो गया। ये अमरूद का पेड़ है, अमरूद का प्लांट पौधा था। एक ही है कि दो? एक ही है, इसमें कई सारी निकल आई, एक दो तीन चार डाल निकल आई। फिर ये बड़ा हो जाएगा तो इसमें अमरूद निकलेंगे ऐसे, यहाँ गुआवा निकलेगा ऐसे ऐसे, तोड़ तोड़ के खाना। और ये मैंगो का पौधा है ना, और इतना बड़ा हो जाएगा तो इसके अंदर मैंगो निकलेंगे। हमारी छत पे हर तरह के पौधे, ये है बरगद का, बरगद का भी पौधा लगा हुआ है, केले का पेड़ छोटा सा है अभी, ये बड़ा नहीं हुआ है, आम का तो बहुत सारा लगा है, अमरूद का भी है, एंड बरगद का एक और भी है। ये देखिए इसके तो पत्ते भी बड़े बड़े हो गए। और ये उसका है गुड़हल, गुड़हल का भी कोई फूल नहीं आया इसमें। देखो ना मम्मा, ये फूल गमले में पौधा लगाने से मैं ये देखती हूँ कि फूल बहुत कम निकलते हैं, पत्तियां तो खूब होती हैं, पौधे बढ़ते भी हैं खूब पर। और ये अजवाइन का, अजवाइन का पेड़ है, ये उसी के पत्ते हैं, खूब महकता है ये। ये अजवाइन का पेड़, ये अजवाइन का पेड़ है चीकू, अजवाइन के पौधे हैं ये, खूब महकता है, महकता है पागल। बस ये वाला पौधा है, इसमें ये फ्लावर रहते हैं ये छोटे छोटे, बाकी किसी भी में फूल ज्यादा नहीं आते हैं। पत्तियां आती हैं, पौधे बड़े होते हैं, सब होता है, बट ये भी कोई एक प्लांट है, इसको जानती नहीं हूँ मैं इसका नाम क्या है। हमने तुलसी भी लगा रखी है, ये अभी ढक दिया है क्योंकि धूप बहुत है, तो थोड़ा सा तुलसी माता ढकी रहती है, उनको धूप नहीं लगती है, कम लगती है, ये सूख भी बहुत जल्दी जाती है ना, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको ढक के रखते हैं। फिलहाल भी मैं, अच्छा धूप बहुत है, छत पे आई थी मैं थोड़े से कपड़े वपड़े डालने, चीकू भी आ गए, चीकू बोल रहे हैं थोड़ी देर रुक जाओ मैं थोड़ा सा खेल लूँ, फिर चलो अकेले यहाँ छोड़ के जाने वाला नहीं, क्योंकि फोर्थ फ्लोर पे छत है और अभी छोटा है तो यहाँ छोड़ के जाने वाला नहीं। और ईशू की तो तबीयत खराब रखी है, तो वो दवाई खा के मैंने उसे लिटा दिया, वो सो रहा है, आराम कर रहा है, तो अभी अकेले पड़ गए हैं इनको, इसलिए थोड़ी देर रुकी हूँ मैं छत पे कि थोड़ा सा एक खेल लें, है ना ये चीकू? हाँ। थोड़ा सा तुम खेल लो फिर चलते हैं, खेलते रहे। ये चीकू बेचारा अकेला हो गया, जल गए ये दरवाजा धूप में रखा है, उस पे जानबूझ के बैठ रहा है, फिर कह रहा आई आई जल, चीकू की जल गई, जल गई पीछे से, जल गई तो धूप में मत खेलो ना, इधर आके खेलो। मुझे भी ना पागलपंती का, नहीं बेटा नहीं, उधर नहीं लटकना, लटकना नहीं। नो 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 नो, कौन आया है वो कौन? अरे वहाँ पे वो तो कपड़े निकाल रही है। कौन वो? कौन है? कौन वो? चीकू की बड़ी मम्मी। हाँ, तो चीकू बड़ी मम्मी नहीं बोल रहे, कह रहे हैं वो जो आई है कपड़े निकाल रही है। ये इतनी इतनी सारी हैंकी है। हाँ। स्वाति की है? हाँ, अच्छा व्हाइट व्हाइट रुमाल। देखिए बड़ी मम्मी की तरफ भी बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, धूप में पैर जल रहा है, भाभी भाग रही है जल्दी जल्दी नहीं, वो जा रही है ना। अच्छा तो उसी को हैंकी देना। अच्छा 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 ठीक है जाइए। ये हमारी अभी दोपहर के बज गए हैं डेढ़, और ये लोग बोल रहे हैं, मतलब मेरे हस्बैंड और बच्चे सब बोल रहे हैं कि आलू के पराठे खाने हैं, तो बस मैं वही की उसी की तैयारी कर रही हूँ किचन में, आलू के पराठे बनाऊंगी आज और विद दही। शर्दी रहती है तो
क्या खाने मन करता है? कुछ मन नहीं कर रहा मेरा खाने का, पेट भरा आ जाएगा। जब बना दूंगी ना तो बनने में लगेंगे। कुछ बहुत ज्यादा तीखा खाने का मन कर रहा है। तो तुम्हारे मैं चाहती हूँ चार चिली काट के अलग से तुम्हारे बनाऊंगी। तो तीखा रहेगा ना वो? फिर तब क्यों कह रहे हो तीखा खाने? बहुत तीखा खाने को। दो मिर्ची डाल देना जब बनाना। नहीं, मैं सोच रही हूँ तुम्हारे लिए एक स्पेशल पराठा मैं बनाऊंगी जिसमें कम से कम चार मिर्चियां डालूंगी। ठीक? नहीं नहीं नहीं, सारा बुखार उतर जाएगा तुम्हारा। नहीं नहीं नहीं, बताओ। नहीं नहीं, खाने का नंबर आया तो नहीं नहीं करने लगे। दो मिर्ची डाल दो बस। दो मिर्ची? अरे मेरे एक पराठे में नहीं, पूरे आलू के बेस में। मैं पूरे आलू के बेस में तुम्हें कम से कम चार पाँच छह डालूंगी। अरे नहीं, तुम्हारे में अलग से चार मिर्ची। नहीं नहीं, अभी तो तुम्हारा तीखा बन तुम्हारा हो रहेगा है। देखो फीवर उतर गया है, उतर गया है। दवाई खाई है ना? अभी वहां भी खिलाए थे दवाई, यहाँ भी आके खाए। इसमें है नहीं फीवर, पर सिर घूम रहा है। हाँ तो धीरे धीरे ठीक होगा ना, कोई जादू की छड़ी थोड़ो है कि एक ही बार घुमाया बस सब ठीक हो गया। बुखार उतर गया लेकिन पूरा तक ठीक होने में टाइम लगेगा थोड़ा। चलो तुम्हें कपड़े, वो कनक में आई थी है? कनक में आई थी, पता नहीं उनका मैंने देखा ही नहीं, मैं सिर्फ मूली गई देखना ही कौन थी। हाँ तो थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा ध्यान रखो, ठंडी चीजें और बाहर की चीजें ना खिलाओ। इसे वायरल बहुत चल रखा है, कोरोना से थोड़ा राहत है तो वायरल ने, तो वायरल फ्लू ने परेशान कर रखा है। जा रही हूँ मैं बनाने, अभी बुलाऊंगी तो आ जाना ठीक है। और अब टी शर्ट मुंह में मत डालना, बहुत गंदी बात है बेटा, बैठ में ऐसे ये ठीक है। शाम हो गई है तो अभी ईशु को दवाई भी देनी है और हम अपने सबके लिए चाय बना रहे हैं और ईशु के लिए भी मतलब दूध में ही तुलसी की पत्ती अदरक वगैरह सब उबाल के उसको दूंगी, सिंपल दूध नहीं दूंगी। तो उसी के लिए किचन में आ गई, उसकी दवाई का टाइम हो गया है, उनके के लिए चाय भी बना दूँ। चीकू आओ, नीचे आना, नीचे आना, नीचे। ये देखो एक बॉल भी ली है, बॉल, एक बॉल भी ली है। एक पुड़िया खा लो, नोड़ी, नोड़ी, एक खा लो, थोड़ो। पानी से खा लो, वन वन करके खाना, इसमें कई सारी है ना, तो वन वन करके खाना, एक साथ मुंह में नहीं डालना, नहीं अटक जाएगा। मेरे भी खिलौने ऐसे ही होते हैं, मेरे भी खिलौने ताजे ऐसे ही होते हैं, मेरे साथ मेरा एक बस की बनाई भी ऐसे ही।
अभी हो गए हैं 7:30 और पापा जी आए नहीं है। कॉल किया तो पता चला कि आज वो थोड़ा लेट आएंगे, ऑफिस में कुछ काम है उनको ज़्यादा, मम्मी परेशान है क्यों नहीं आए जल्दी से, तो वही उनको बता रही थी। आज ईशु की मैम ने उन्हें 7:30 पे बुलाया था ट्यूशन के लिए, यही बगल में है तो दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मेरे घर के से सटा हुआ है, बगल में वही ट्यूशन है। एंड उनका तबीयत भी उसकी थोड़ी मुझे ठीक लग रही, फीवर बिल्कुल भी नहीं है और कोल्ड में भी आराम लग रहा है, तो मैंने सोचा कि पढ़ाए जाके थोड़ा सा मन भी बहल जाएगा और उसे अच्छा फील हो रहा है इसलिए जा रहा है ट्यूशन। इनका मम्मी यशिनी ड्यूटी रात में सुबह गई है, अभी आ रही होंगी, नहीं अब पर गई है। अच्छा हाँ आज, हाँ हाँ आज, आज सैटरडे को रहता है उनका उस पे आकाशवाणी पे करती है ना काम, ये नोडी इसकी मम्मा जो है सैटरडे को आकाशवाणी पे काम करती हैं, तो जो है हाँ ठीक है जाओ, मुंह धुल लिया पोछ लिया ठीक है जाओ, हाँ हाँ इतनी टाइम बाय। अरे भैया ध्यान रखो, इसे वायरल फ्लू चल रहा है तो इसकी तबीयत नहीं ठीक है इसलिए वो जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स जिनकी है नोडी की तबीयत ठीक नहीं है, उसके उसके पापा उसको ले गए डॉक्टर के पास, तो चीकू जो है पालतू की जिद मचाए है, रोग है वो, तो तुम्हारे डैडी आगे जाओ अपने डैडी के साथ। ओके फ्रेंड्स चीकू को भेज दिया उनके डैडी के साथ, हो गया थोड़ा देर बाहर घूमाएगा तो चुप हो जाएगा बहल जाएगा, और मैं भी जा रही हूँ अपना डिनर बनाने एंड अपने ब्लॉग का एंड मैं आज यही कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको, एंड मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। अगले ब्लॉग में आपको मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।